बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल साकी क्लास में। दोस्तों यूपी बोर्ड से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराने के हाईकोर्ट के आदेश से अब यूपी बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित होने की उम्मीद भी बंद हो गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकृत 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा मई में होने के आसार हैं। बोर्ड सचिव दीपकांत शुक्ल ने 13 अगस्त को जारी शैक्षिक पंचांग में मार्च या अप्रैल में बोर्ड परीक्षा कराने का समय दिया था, लेकिन बदलते हालात में मई में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने की प्रबल संभावना है। अब तक पंचायत चुनाव की स्थिति अस्पष्ट न होने के कारण प्रदेश सरकार परीक्षा तिथि तय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चुनाव और परीक्षा दोनों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ही ड्यूटी लगती है। यही कारण है कि दोनों को एक साथ नहीं कराया जा सकता। परीक्षा का टाइम टेबल चुनाव के बाद आने की उम्मीद है। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब यूपी बोर्ड के अफसर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शासन का निर्देश मिलने के बाद बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बनाकर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीबीएसई के पहले परिणाम आने का अनुमान। सीबीएसई ने 4 मई से बोर्ड परीक्षा कराने का टाइम टेबल जारी किया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 7 जून तक और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक चलेगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब सिर्फ 15 दिन में होने लगी हैं। कॉपी जांचने में 15 दिन का समय लगता है, इसलिए टाइम टेबल जारी करने में भले ही यूपी बोर्ड पिछड़ गया, लेकिन रिजल्ट घोषित करने में सीबीएसई से आगे रहने की उम्मीद है। दोस्तों इस खबर से स्पष्ट होता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा अब मई में होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।